प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में देर रात दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सीतापुर से हरियाणा कामगारों को लेकर जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर लगे साइड बैरियर को तोड़ती हुई सड़क से नीचे कई फीट नीचे जाकर पलट गई। जानकारी के अनुसार बस में लगभग 100 से ज्यादा लोग सवार थे। बस पलटने के हादसे की सूचना मिलते ही मुरादाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई और घटना में घायल हुए लगभग 20 यात्रियों को आनन फानन में मुरादाबाद और रामपुर के जिला अस्पताल भेज दिया गया। हादसे की सूचना के बाद मुरादाबाद जिला अस्पताल में घायलों की स्थिति देखने पहुंचे मुरादाबाद SP अमित आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मुंडापांडे क्षेत्र में हाईवे पर एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये डबल डेकर बस थी जो सीतापुर से हरियाणा पानीपत के लिए जा रही थी। इसमें 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो अभी तक 19 है। इसमें उपचार के बाद सभी की स्थिति सामान्य बताई गई, किसी की गंभीर हालत नहीं है। जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इसमें ज्यादातर जो लोग थे मजदूर थे, काम करने के लिए पानीपत या हरियाणा के लिए जा रहे थे। मुरादाबाद जिला अस्पताल में बस सवार प्रत्यादर्शी अजय का आरोप है कि बस में 5-6 स्टाफ के लोग थे जो कुछ नशा कर रहे थे। ये ड्राइवर चेंज हुआ था तो 7-8 किलोमीटर के बाद ये एक्सीडेंट हो गया। उससे पहले इन्होंने भी यूज़ किया था क्योंकि मैं फर्स्ट सीट पर था। स्टाफ वाली सीट पर ये 5-6 स्टाफ थे। बस में इन्होंने सिगरेट में भरकर या जो भी हो जानकारी नहीं है। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस अधिकारी कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए बस हादसे की वजह की जाँच की बात कह रहे हैं। अजय, ये मैं बरेली के पास फरीदपुर से बैठा था पानीपत के लिए, तो बस खाई में पलट गई। बस तो फिलहाल जो मैं बरेली से फरीदपुर से बैठा था तो उधर से कोई और ड्राइवर लेके आया। ये जो ड्राइवर चेंज हुआ था, केवल 7-8 किलोमीटर में ये एक्सीडेंट हो गया था। उससे पहले उन लोगों ने सुल्फा भी यूज किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट सीट पर था, गेट के बिल्कुल बराबर वाली सीट पर स्टाफ सीट पे ही था बैठा हुआ। जी बिल्कुल, ये 5-6 स्टाफ थे बस में, करीब 5-6 स्टाफ थे। उन लोगों ने वही सिगरेट में कुछ भर के, यानी सुल्फा या चरस जो भी हो, फिलहाल जानकारी नहीं है, वो चीज़ यूज की थी इन लोगों ने। बस में तो करीब थे 130 से 150, घायल तो करीब 60-70 लोग हुए। कुछ लोग रामपुर भेजे गए हैं। मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं फरीदपुर से पानीपत जा रहा था, बरेली से पानीपत। जी ये थाना मुंडापांडे क्षेत्र में हाईवे पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है, सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, किसी की भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य इसके सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इसमें टोटल 19 घायल हैं, जिसमें से 12 घायल यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और जो बाकी शेष है वो रामपुर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसमें घटनास्थल पे पुलिस भी और एम्बुलेंस और सभी डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है, सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनमें ज़्यादातर जो लोग थे मजदूर थे और या फिर कोई काम करने के लिए पानीपत हरियाणा के लिए जा रहे थे। इसमें जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया उसमें जो दिख रहा है, जो बस जो साइड रेल्स होती है उसको पार करके पलटते हुए गई है, तो इसमें जांच की जा रही है। जो भी और अन्य तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।